हेलो नमस्ते वेलकम टू आवर श्री ओम स्क्रीन प्रिंटिंग यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इस चैनल में ब्लॉक प्रिंटिंग का कोर्स। कल आपने लाइट कलर कॉटन के लिए किस तरह प्रिंट करते हैं आप देख चुके हैं। वैसे ही मैंने बताया हर कपड़े के लिए अलग अलग बाइंडर होता है और ब्लॉक प्रिंटिंग में किस तरह की बाइंडर्स यूज़ करते हैं और क्या क्या कलर्स होते हैं ये सब हमने दिखाए हैं। तो आज हम इस डार्क कलर के ऊपर किस तरह प्रिंटिंग करना है ये देखेंगे। अभी वीडियो में जाने से पहले कल के सेशन में कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे हैं तो ये एक दो मिनट में उनका डाउट्स क्लियर कर देंगे फिर वीडियो स्टार्ट कर देंगे। सोनाली जी ने पूछा है कि इफ़ वी यूज़ फेविक्रिल कलर देन आल्सो वी नीड फिक्सर। हम फेविक्रिल कलर यूज़ करते हैं तो फिक्सर को भी यूज़ करना पड़ता है, यही उनका डाउट है। मैडम फेविक्रिल कलर आप यूज़ करते हैं तो फिक्सर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेविक्रिल कलर कल मैंने बताई थी कि आप अपने लिए बनाएंगे तो अच्छा है, बिजनेस के लिए आप वो हैंड पेंटिंग कलर से ना टेक्सटाइल कलर्स यूज़ करेंगे तो वही बेहतर है। इसके लिए आपको फेविक्रिल के लिए फिक्सर ज़रूरी नहीं है। एंड पुषप जी ने पूछा है कि मैम विच कंपनी बाइंडर्स एंड फिक्सर्स यूजिंग इफ़ वी बाय विच आर बेस्ट। मैडम ये फैक्ट्री कलर्स कहते हैं इसको, टेक्सटाइल प्रिंटिंग कलर्स है, ये यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा है। वहाँ का कहीं भी आप इंक्वायरी करके पूछताछ करके यू विल गेट दिस बाइंडर्स एंड कलर्स। नेक्स्ट सुनंदा जी, वेरी नाइस, इफ़ वी यूज़ फैब्रिक कलर्स द मेथड इज़ सेम। नो मैडम, फैब्रिक कलर्स आप यूज़ करेंगे ना मेथड माना इसमें फिक्सर की ज़रूरत नहीं है, फिक्सर को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा मेथड सेम है। अगर आपको वो फैब्रिक कलर्स भी थोड़ा लूज़ करना पड़ता है तो मीडियम ज़रूर यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट सोनाली मुखर्जी ने पूछा है कि आल्सो प्लीज़ डिस्कस वेयर वी कैन गेट फैब्रिक इन कोलकाता। मैडम कोलकाता के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ आप ये सब बाई कर सकते हैं, आप खुद को इंक्वायरी करके कुछ पूछताछ करके वो डिटेल्स पाना है। नेक्स्ट सोनिया श्रीवास्तव जी ने पूछा, आई हैव ए लॉट ऑफ ब्लॉक्स हैव यूज देम बट नॉट सोक्ड देम इन ऑयल बिफोर यूज़, वाट कैन आई डू नाउ। मैडम ने कहा है कि उन्होंने ब्लॉक्स यूज़ किए हैं लेकिन वो ऑयल में सोक देना मतलब डुबो देना दो दिन में रखना वो भूल गए हैं, अब मैं क्या करूँ। जी आप अभी भी कोई बात नहीं, आप यूज़ भी कर चुके होंगे लेकिन उसको क्या करें कि आप कम से कम 6 घंटा धूप में रख लीजिए ताकि ब्लॉक्स पूरा सूख जाए, उसमें कोई नहीं होना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। बाद में आप 48 आवर्स आप ब्लॉक्स को ऑयल में रख के फिर यूज़ कीजिए। ऑयल में निकालने के बाद उसे न्यूज़पेपर में भी रखिए, ज़्यादा एक्सेस ऑयल हो तो न्यूज़पेपर उसको अब्जॉर्ब कर देगा। इस तरह ऑयल में रखने से ब्लॉक डैमेज नहीं होगा, उसके लाइफ ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो अब हम वीडियो में चलते हैं। तो देखिए ये डार्क कलर काटन है, तो मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताई थी कि डार्क कलर काटन के लिए खादी बाइंडर यूज़ करते हैं। खादी बाइंडर है ये, बहुत वाइट होता है तो इसमें जो कलर हमें चाहिए उस कलर को हम मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो आप जब भी प्रिंट करते हैं काटन कपड़े हो तो काटन के लिए ज़रूर स्टार्च होगा,
तो स्टार्च को निकालना मत भूलिए। 1 घंटा आप पानी में भिगो के रखेंगे कपड़े को, फिर थोड़ा निचोड़ के सुखा दीजिए, तब इसके जो स्टार्च है वो निकल जाएगा, नहीं तो प्रिंटिंग इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं इस कलर को मिक्सिंग करने जा रही हूँ। देखिए 2 चम्मच, दो चम्मच ले रही हूँ। तो इसमें ज़रूर हमें फिक्सर मिक्स करना है। 1 चम्मच के लिए 6 या 7 ड्रॉप्स, तो ये 2 चम्मच हुए ना, तो इसमें 14 ड्रॉप्स फिक्सर मिलाएंगे। जैसे मैंने कहा फर्स्ट एपिसोड में, जो भी अपने घर में ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं अपने लिए, घर के सदस्य के लिए, तो आप वो क्या करते हैं, फैब्रिक कलर्स यूज़ करते होंगे, तो ज़रूर वही कलर्स यूज़ कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये ब्लॉक प्रिंटिंग बिजनेस पर्पस करना चाहते हैं, तो ये सब ये फैब्रिक प्रिंटिंग मटेरियल से इसको ही यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। टेक्सटाइल प्रिंटिंग मटेरियल्स, टेक्सटाइल प्रिंटिंग कलर्स है ये, तो यही इसका लुक बहुत अच्छा होगा। तो इसमें फिक्सर मिला दिया, अब इसमें कलर मिक्स करेंगे। येलो कलर है, खूब मिक्स कीजिए, बीच में वाइट वाइट नहीं रहना है। आपको अगर ज़्यादा कलर चाहिए, डार्क चाहिए, तो ज़्यादा कलर भी आप ले सकते हैं। इस तरह का बाउल लेंगे ना आप, ढक्कन वाला, तो अगर आपको कलर बच भी जाएगा तो ये 2-3 दिन या 4 दिन भी खराब नहीं होंगे, 4 दिन तक ये आप रीयूज कर सकते हैं। लेकिन ढक्कन होना चाहिए, इसको ढक्कन रख के आप क्लोज करेंगे तो ये खराब नहीं होगा। 4 दिन के बाद इतना यूज़ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा, कुछ खराब भी होगा। 4 दिन तक आप रीयूज कर सकते हैं। हमने देखा है ऐसा, हमें एक स्पॉन्ज चाहिए प्लेट के ऊपर, और उसमें कलर डाल के फैलाना है, कलर नीचे तक जाना है स्पॉन्ज के अंदर। जितना बड़ा ब्लॉक हो उतना बड़ा स्पॉन्ज लीजिए, उतना बड़ा साइज में कलर को फैलाइए। बीच बीच में अगर कलर आपको खत्म होता जाता है तो कलर डालते, ऐसा स्प्रेड करते आपको प्रिंटिंग करना है। अगर आप गोल्ड या सिल्वर कॉपर करते ना, वो तो कोई भी फैब्रिक में आप कर सकते हैं, उसके लिए जॉर्जेट ही चाहिए या कॉटन ही चाहिए, ऐसे नहीं। गोल्ड सिल्वर कॉपर को आप कॉटन पे कर सकते हैं, सिल्क जॉर्जेट पे कर सकते हैं। अब ये ब्लॉक से करेंगे हम। इस तरह ब्लॉक को रखिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए। इस तरह कलर लेना है, इस तरह रख के 2-3 बार ऐसा प्रेस कीजिए।
सीधा उठाइए, इस तरह होता है डार्क कलर में प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करने के बाद इसको आप 6 घंटे कम से कम रिवर्स करके कपड़े को तेज धूप में ड्राई करना है। बाद में 2-3 दिन तक आपको इसे प्रेस नहीं करना है, इस्त्री नहीं करना है। 3 दिन के बाद इसको ऐसा उल्टा करके कपड़े को उल्टा करके रिवर्स करके डिज़ाइन के ऊपर इस्त्री करना है। बाद में 20 दिन तक कोई भी फैब्रिक को आप कोई भी बाइंडर से करें ना, वो फैब्रिक को वॉश नहीं करना है। 20 दिन के बाद उसको वॉश करना है, वो भी हल्का सा डिटर्जेंट पाउडर। 3-4 वॉशेस के लिए आपको डिटर्जेंट पाउडर ही यूज़ करना है। डिटर्जेंट पाउडर में 20 मिनट तक भिगो के फिर वॉश करना है, ठीक है। तो तुरंत इसको धोना इस्त्री करना ऐसा नहीं कीजिए, 6 घंटे धूप में ड्राई होने दीजिए और 3 दिन के बाद इसको इस्त्री कीजिए। 20 दिन के बाद इसको वॉश करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ये पूरा करके 7 दिन का कोर्स होता है, 1 वीक का ब्लॉक प्रिंटिंग का कोर्स। तो वो 1 वीक कोर्स में हम आपको कलर मिक्सिंग वो कोर्स भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है, एक दूसरे से कौन सा कलर मिक्स करने से, किस रेशियो से मिक्स करने से एक नया कलर आएगा, वो भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।